नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, जो लोग भी अपने सीवीटी पीजी 23 का एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। किन किन तरीकों से आप थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है जिससे कि आपका जो एग्जाम है 23 का वो बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सारे पॉइंट हम समझा सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि हमारा जो सीवीटी पीजी फिजिक्स 23 का जो एग्जाम होने वाला है, इससे पहले आपके जो और जो अदर कोर्सेज हैं उनके एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं गाइस। ठीक है, मतलब काफी सारा जो एग्जाम है ऑलरेडी सीवीटी 23 का वो अदर सब्जेक्ट का हो रहा है। ठीक है, तो काफी सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करने के बाद, मतलब कि हमने अभी तक यही पाया है कि जो भी एग्जाम हुए आपके सीवीटी पीजी 23 में, जितने भी सब्जेक्ट के अभी तक एग्जाम हुए हैं, थोड़ा सा जो आपका कोर सब्जेक्ट है ना गाइस, उस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपको ध्यान रखना है गाइस कि अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं तो जो आपका थियरी पोर्शन है, ठीक है, जो भी आपके थियरी से रिलेटेड जो भी आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जो भी उनके एप्लीकेशन आते हैं, थोड़े से जो फॉर्मूलाज होते हैं, आपके जो फॉर्मूलाज में जो वेरिएशन होते रहते हैं, ठीक है, जो डिपेंडेंसी एक तरीके से देखने को मिलती है, किस तरीके से वो वैरी करता है, जैसे कोई भी फॉर्मूलाज में आप देखते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है तो आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन सबका बड़ा फर्क पड़ता है हमारे पेपर्स में गाइस। ठीक है, तो थोड़ा सा थियोरी पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा और इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट पे मत आप जाइएगा। ठीक, ऐसे आपको टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं जो कि आपको ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहे हैं, तो वैसे टॉपिक्स आप मत करिएगा। उन सभी टॉपिक्स में देखिए जो छोटे छोटे वन वर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं, वो छोटे छोटे डेफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं गाइस। ठीक है, आप बहुत पहले से भी जानते आ रहे हैं कि हमारा जो एमएससी फिजिक्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीवीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें थियोरी पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए उतने क्वेश्चंस नहीं दिए जाते एज कंपेयर टू जो आपके थियोरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा थियोरी को ध्यान में रखते हुए जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज बन रहे हैं, उसको आप ध्यान रखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आप जब एग्जाम बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेगा इस कुछ ऐसी चीजें जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, जो ज्यादा लेंदी आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपके नए टॉपिक्स हैं, उन पे आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितनी आप चीजें कर सकते, जितना आप थ्योरी कर सकते, जितना थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उससे आपका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, जो भी आपके लेंदी टॉपिक्स हैं, जो ज्यादा आपके टाइम टेकिंग है, उसको आप अवॉइड कर दीजिए, छोड़ ही दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा क्योंकि टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। तो जो चीज आप करना चाहते थे, जो आप रिवीजन में टाइम दे सकते थे, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी, आपका पेपर तभी बढ़िया होने वाला है जब आप बढ़िया रिवीजन करेंगे। आप जितना टॉपिक पढ़ लेंगे उससे कुछ नहीं होगा, लास्ट मोमेंट में एक दो दिन पहले, तीन दिन पहले, जितना बढ़िया आप रिवीजन करेंगे वही आपका बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि भाई रिवीजन करना ही है, नहीं तो आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका रैंक उतना बढ़िया ना हो, आपको जो बढ़िया वाला कॉलेज चाहिए था, जो बढ़िया वाली यूनिवर्सिटी चाहिए थी, वो शायद आपको ना मिल पाए। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, तभी आपका बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल सकता है, आप उसको जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप पेपर को जो अटेम्प्ट करने जाएंगे गाइस, तो जो चीजें आपकी पहले आ रही होंगी, पेपर जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे, थोड़ा सा पेपर को एक बार ना स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा जो आप 5-10 मिनट स्टार्टिंग देना चाहते हैं वो आप प्रॉपर दे दीजिएगा गाइस। ठीक है ना, थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे कैसा पेपर है, वो आपको एक ही बार आइडिया लग जाता है कि भाई ओवरऑल आपका जो पेपर है वो ईजी है कि मॉडरेट है कि आपका टफ लेवल का है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है। तो थोड़ा सा आप अपना जो एक लेवल है, पेशेंस लेवल है, वो भी आप अपने आप के लिए एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप शुरू में ही सारा पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप लास्ट में जाके देखेंगे धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो आप एक बार पेपर देखने के बाद ना जो पेपर का जो लेवल है वो आप आइडिया लगा सकते हैं, उसके हिसाब से जो अपने जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आप टाइम यूटिलाइज कैसे करना है वो आप थोड़ा सा पहले से पता लगा पाते हैं गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा पेपर में बैठने से पहले, पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ने हैं, सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके जो जो चीजें आती जाएंगी उसको आप जरूर पहले कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीजें नहीं आएंगी उस पर टाइम तुरंत मत दीजिएगा, बाद में जब फ्री टाइम बचेगा सारी चीजें जो आ रही है उसको पहले करने के बाद, जो लास्ट में टाइम बचेगा, जो नहीं आ रहा उस पर थोड़ा सा टाइम बढ़िया से दीजिएगा, उसको बढ़िया से आप अटेम्प्ट करिएगा, सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि सोचने का टाइम आपको लास्ट में देना है, शुरू में ही सोचने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि
अगर आप शुरू में सोचने बैठ जाएंगे तो फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा गाइस, ठीक है। जो चीज आप कर सकते थे बढ़िया वो भी आपकी बढ़िया नहीं हो पाएगी, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे आपका पेपर बढ़िया हो सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई ऐसे पॉइंट्स है जिस पे कि आपको कंफ्यूजन है, कोई ऐसे टॉपिक है जो कि आपको परेशान करे, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पे हम प्रैक्टिस सेशंस कर लेंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।